से आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अहमद फिलहाल फाइंड नंबर हम लोग। गाइस आपको याद है कि हम लोगों ने कल तक के मेल को प्रायोरिटी लगाई थी, तो आज देखते हैं उसके पैर का क्या कैसा हाल है। और प्रायोरिटी लगाई थी तो आज अभी हम लोग प्रायोरिटी लगाएंगे और देखते हैं उसके पंख का क्या हाल है। हम लोगों ने आपको पता है कल भी बहुत मुश्किलों से पकड़ा था, इसलिए आपको पकड़ने के बाद मिलते हैं उसको। तो गाइस मैंने इसको पकड़ लिया है, वो भी बहुत मुश्किलों से, वो भी टोपी में। ये देखें कैसे आगे हो रहा है। तो गाइस इसको मैंने पायोटिन लगाने के लिए पकड़ा था, लेकिन इसको अब जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है। अभी इसे थोड़ी ठंडी होने दे, तब ठंडी होता है सबको। हल्का हल्का ठंडा हो गया। देख लेते हैं इसको भी, ये कहीं जख्मी तो नहीं या फिर इसको कोई चोट लगी हो। लगता तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि उसके उसको इसलिए पता लगा था क्योंकि उसके व्हाइट पार थे, इसके ब्राउन से लगे हैं। यहाँ से तो लगता है थोड़ा बाल फैले हैं। चलो इसे भी क्यों ना नहला दे, नहलाते हैं इसे भी। तो ना इस जिसमें नहीं नहलाना। बस इसकी उम्र 7 से 8 महीने है तकरीबन। तो
गाइस आप बताएं कि ये कितनी उम्र में रेडी हो जाएगा। सो गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं हमारा सिमुर्गा कितनी देर का रेडी हो जाएगा। एक मिनट आप ये भी देखें गाइस, मेरा प्यारा मुर्गा ये देखें, हमने पानी फेंका और ये लोग इसी पानी में नहाने लगे और मेरा भाई वहाँ पे भाग रहा है, वो आप देख रहे हैं ना टक्का में, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो एक मिनट वैसे रेडी तो ये है लेकिन अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। तो गाइस हमारी मुर्गियां तो नीचे ऊपर हो जाती है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं इनको भी सीरियस से कुछ नहीं है, नहीं तो इसका जवाब है नहीं। हमारे लिए मैं देखते हैं तो गाइस हमें बताएं कि हम असील की कौन सी नस्ल लें, फिर हम मंड होए असील की वो ही नस्ल लेंगे। गाइस ये देखें यहाँ पे देखें, हमने इसको नहला दिया तो अब ये और फायदा उठा रहे हैं, इनकी वजह से सारा पानी गंदा हो जाता है जो भी हम लोग रखते हैं। शेयर जरूर करना। तो ये था आज का व्लॉग, बाय गाइस। और ये ऊपर है ना उतारने का, okay.